नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाई, ये मेरा पेड़ी गन्ना है और जिस खेत के अंदर खड़ा हुआ ये हमारा पौधा गन्ना है। और इस गन्ने के अंदर हम लाइव में आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से खादों को कितनी कितनी मात्रा में डाला जा रहा है, क्योंकि कहीं कहीं पर इस खेत के अंदर मुझे हल्की सी टॉप बोरर की समस्या देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ किसान भाइयों, इसके अंदर जो है मुझे हल्की सी पोको बैंक की समस्या भी देखने को मिली। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी 5-7% के आसपास देखने को मिल रही है। तो कौन कौन से कीटनाशक में डालने वाला हूँ, कौन से ग्रोथ प्रमोटर डाले जाएंगे और कौन सा हम इसके अंदर कीटनाशक ले रहे हैं या फिर कौन सा कितनी मात्रा में यूरिया की मात्रा हम ले रहे हैं, सब कुछ मैं लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि कुछ किसान भाई ये कह रहे हैं कि आप अपने खेत के अंदर कुछ डालते हैं और हमें कुछ बताते हैं, तो बिल्कुल लाइव वीडियो है कि अपने खेत के अंदर मैं कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डलवाने वाला हूँ। ये जो प्लाट है ये लगभग 12 से 12.5 बीघे का प्लाट है, यानी कि 2 एकड़ के आसपास की डोज इस वीडियो में आपको बताई जाएगी, क्योंकि 2 एकड़ खेत है और इसके अंदर हम कितनी कितनी मात्रा में कौन कौन से खाद ले रहे हैं सब कुछ आपको लाइव दिखाऊंगा। तो इसके अंदर जो हमने उपयोग किया है, सबसे पहले 2 बैग यूरिया का उपयोग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 2 बैग यूरिया यानी कि लगभग 90 किलोग्राम यूरिया के आसपास जो 12 बीघे खेत हमारा 2 एकड़ का खेत है, इसके अंदर मैं 2 बैग यूरिया के ले रहा हूँ। जैसा कि आप इस समय पर देख पा रहे हैं 2 बैग यूरिया मेरे पास है। और जो हम यूरिया इस समय पर डाल रहे हैं किसानों, यदि मैं बालू रेत के अंदर मिक्स करूं तो हो सकता है यूरिया की मात्रा कम कर ली जाए, लेकिन मैं जो हूं इसे लगभग 40 दिन के बाद इसमें यूरिया डाला जा रहा है, दूसरा कीटनाशक डाला जा रहा है। अब से लगभग 40 दिन के पहले ही हमने इसके अंदर खाद और उर्वरक डाले थे, तो 40 दिन का हमने गैप लिया है, 40 दिन का अंतर लिया है, तो यूरिया की मात्रा यहाँ पर हमें डालनी पड़ेगी, क्योंकि 40 से 45 दिन का जो अंतर हो जाता है उसके अंदर यूरिया की मात्रा इतनी डलनी चाहिए। तो लगभग 90 किलोग्राम यूरिया जो है मैं अपने इस 12 बीघे खेत के अंदर 2 एकड़ खेत के अंदर लेने वाला हूँ। साथ ही साथ किसान भाई, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर लिया है कौन सा ग्रोथ प्रमोटर लिया, तो ग्रोथ प्रमोटर के लिए किसान भाइयों, जैसे कि बताया 2 एकड़ खेत है, तो यहाँ पर जो हमने सागरिका यहाँ पर यूज करी है, और सागरिका का जो किसान भाई मैंने बैग लिया है ये आप देख सकते हैं, ये 25 किलोग्राम का पैक है। तो 25 किलोग्राम जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये सागरिका ले रहा हूँ, और ये 25 किलोग्राम सागरिका यानी कि 12 बीघे का खेत है, तो 2 किलोग्राम प्रति एकड़ मतलब प्रति बीघा के हिसाब से, यानी कि 1 एकड़ के अंदर लगभग 12 किलोग्राम आप मान लीजिए और 2 एकड़ के अंदर लगभग ये 25 किलोग्राम डाली जा रही है, जो बहुत ही शानदार ग्रोथ प्रमोटर है। और इसे मैं आपसे रिकमेंडेड करूंगा कि आप अपने खेत के अंदर कोई खाद डालें या ना डालें, लेकिन सागरिका का उपयोग करें, इससे गन्ने के अंदर फुटाव अच्छे से होगा, गन्ना हरा भरा रहेगा, गन्ने की ग्रोथ अच्छे से होगी और बहुत ही शानदार तरीके से आपका गन्ना लगातार चलता रहेगा। तो सागरिका की मात्रा जो डाली जा रही है ये 25 किलोग्राम का पैक है, पूरा पैक इसके अंदर यहाँ पर डाला जा रहा है। अब जो हमने तीसरा इसके अंदर खाद चूज किया है, तीसरा खाद हमने लिया है इसके अंदर सल्फर, तो ये आप देख सकते हैं ये इफ्को की मैंने यहाँ पर सल्फर लिया है, और इफ्को की जो सल्फर लिया है ये हमने 12 बीघे खेत के अंदर 10 किलोग्राम में सल्फर ले रहा हूँ, एक पैकेट ये है और किसान भाई एक पैकेट ये है, यानी कि लगभग 10 किलोग्राम सल्फर जो है इसके अंदर डाली जा रही है। और जो ये सल्फर है किसान भाइयों, ये इफ्को कंपनी की है जो हमारी 90% में आती है दानेदार रूप में, तो दानेदार रूप वाली सल्फर आपने ये काफी अच्छी तरीके से कार्य करती है, क्योंकि किसान भाई इसके अंदर सल्फर होने की वजह से जो हमारी फंगस हल्की माड़ी खेत के अंदर दिखाई दे रही है, इस फंगस को ये बड़े आसानी के साथ कंट्रोल कर लेगी, बड़े आसानी के साथ रोक लेगी। तो सल्फर भी आप अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। अब जो यहाँ पर मैंने कीटनाशक का उपयोग किया है, कीटनाशक मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कीटनाशक कितनी मात्रा में लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने कीटनाशक लिया है ये लिया है मैंने सिंजेन प्लस, और ये है इफ्को कंपनी का, और इसके अंदर जो हमें साल्ट देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं ये 5% ऐसी फार्मुलेशन के साथ इसके अंदर देखने को मिल रहा है। ये पूरा मैंने 1 लीटर लिया है और इसकी जो कीमत है वो 900 रुपए के आसपास ही मुझे मार्केट से मिला है, तो इफ्को कंपनी का है, काफी भरोसेमंद कंपनी है, आप भी इसका ले सकते हैं। ये नहीं कि प्रचार कर रहा हूँ, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन लगभग 1 लीटर इसकी मात्रा लेंगे तो पूरे 2 एकड़ खेत के लिए ये अच्छी तरीके से काम कर देती है। और यदि आपके खेत के अंदर ज्यादा समस्या आ रही है तो आप इसकी मात्रा 1.5 किलोग्राम भी कर सकते हैं। तो 1 किलोग्राम मैंने जो फिप्रोनिल इसके अंदर लिया है जो हमारे पूरे 2 एकड़ खेत के लिए है। इसके साथ साथ किसान भाइयों मैंने दूसरा टेक्निकल यहाँ पर लिया है, दूसरा कीटनाशक जो लिया है वो भी आप देख सकते हैं, ये लिया है किसान भाइयों मैंने इफ्को एमसी का ही, यह आया टायो प्लस के नाम से, यानी कि इसके अंदर जो हमें साल्ट देखने को मिल जाता है वो है थायमेथोक्सम 30% FS फॉर्म में देखने को मिल रहा है, जो किसान भाई एक सिस्टमिक कीटनाशक है। और जो हमारा ये दूसरा वाला जो हमारा फिप्रोनिल है ये सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट ये दोनों तरह का कीटनाशक, यानी कि हमारी फसल के अंदर अगर कीट पहले से लगे हुए हैं तब भी ये मारेगा, यानी कि जैसे हमने मान लीजिए स्प्रे किया हमारी फसल पे कीटों का अटैक है तब भी वो कीट मर जाएंगे, और यदि मान लीजिए स्प्रे करने के बाद में हमारी फसल के ऊपर कीट आते हैं तब भी वो कीट जो है खत्म हो जाएंगे। तो सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरीके से किसान भाइयों हमारी फसल को जो कीटों से बचा करके चलेगा। तो लगभग 1 लीटर मैंने फिप्रोनिल लिया है और 1 लीटर लिया है किसान भाइयों मैंने थायमेथोक्सम, और इन सभी खादों को जो है आपस में एक साथ मिलाने के बाद इनका जो है
छिड़काव किया जाएगा गन्ने की जड़ों के पास में। स्प्रे नहीं करवा रहा हूं, ये मैं पहले आपको बता दूं, सिर्फ इन सबको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद, कोडिंग करवाने के बाद पूरे खेत में गन्ने की जड़ों के पास में इन्हें डलवाऊंगा और उसके बाद जो है किसान भाई 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर मैं अपने खेत के अंदर पानी चलवा दूंगा, जिससे कि खेत के अंदर नमी अच्छे से बनी रहे और बहुत शानदार तरीके से किसान भाइयों जो गन्ना है वो ग्रोथ करे और जो रोग गन्ने के अंदर लग रहे हैं वो रोग बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो इस तरीके से अब मैं इसे आपको मिलवाते हुए दिखाता, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो मैं वीडियो बिल्कुल भी लंबी करनी नहीं चाहता। डायरेक्ट लाइव से वीडियो है तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या कार्य है, किस किस तरीके से किया जा रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।